Nothing Phone 2A versus IQ Z9 5G। तो बात करो मैं यही बात करने वाला कि Nothing Phone 2A या IQ Z9 5G में से दोनों में से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि Nothing Phone 2A और IQ Z9 5G कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुए, जिसके अंदर से आप सभी को स्पेक्स इसके काफी मस्त है, बट आप सभी को इतना डाउट आ रहा था कि आप सभी को कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, जो कि आप सभी को बोल रहे हो Nothing Phone 2A लेना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे IQ Z9 5G लेना चाहिए। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप सभी को डाउट पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले इन मोबाइल्स का डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो Nothing Phone 2A में आप सभी को 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देता है। और इसके मोबाइल में आप सभी को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ IQ Z9 5G में 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्लस 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। और इस मोबाइल के डिस्प्ले में तो आप सभी को किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ आप सभी को Nothing Phone 2A से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है और साथ ही साथ 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। डिस्प्ले के मामले में बात करें तो आप सभी को IQ Z9 5G Nothing Phone 2A से ज्यादा बेटर है। उसके बाद अब हम इन मोबाइल्स के कैमरे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले Nothing Phone 2A में आप सभी को 50+50 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरा देखने को मिलते हैं और फ्रंट में आप सभी को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। और इस मोबाइल से आप सभी लोग Nothing Phone 1 एंड Nothing Phone 2 जैसा ही सेम पिक्चर क्लिक करके निकाल सकते हो। एंड उसी के साथ सर IQ Z9 5G में सोनी का IMX882 का 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और इसमें भी आप सभी लोग एक बहुत अच्छी तरीके से फोटो क्लिक कर सकते हो। बट इसके अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा Nothing Phone 2A ज्यादा बेटर है, क्योंकि Nothing Phone 2 में आप सभी लोगों को 50+50 मेगापिक्सल के दो कैमरा देखने को मिलते हैं। तो अगर कैमरे के मामले में बात करें तो Nothing Phone 2A के साथ आप जा सकते हो। और आप सभी लोग वेट करना है, क्योंकि लास्ट में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आप सभी लोग Nothing Phone 2A या IQ Z9 5G में से कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। एंड अब इसके बाद अब हम इन मोबाइल्स के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम Nothing Phone 2A की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को इस मोबाइल के अंदर MediaTek Dimensity 7200 का 4nm का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके स्टोरेज टाइप की बात करें तो आप सभी को इस मोबाइल के अंदर LPDDR4X का रैम प्लस UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं IQ Z9 5G के प्रोसेसर की बात करूं तो आप सभी को इस मोबाइल में भी MediaTek Dimensity 7200 का 4nm का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इन दोनों मोबाइल के एंड्रॉइड स्कोर की बात करूं तो Nothing Phone 2A में आप सभी को 691,000 के आसपास का एंड्रॉइड स्कोर निकाल के देता है, और जबकि IQ Z9 5G में आप सभी को 730,000 के आसपास का एंड्रॉइड स्कोर निकाल के देता है। और ये दोनों मोबाइल में आप सभी लोग किसी भी बैटरी वाले गेम को इजिली 40-60 FPS में खेल सकते हो। और उसी के साथ अगर मैंने इन दोनों में BGMI रन करके भी देखा, तो इसके अंदर मैंने IQ Z9 5G में आप लोग इजिली इसके अंदर 60 FPS to 50 FPS में इजिली स्मूथली चलता है। और इस मोबाइल में आप सभी लोग एक्सट्रीम क्वालिटी में भी गेम प्ले कर सकते हो, बट इसके अंदर आप सभी को एक थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि आप सभी लोग जब ज्यादा एक्सट्रीम क्वालिटी में गेम प्ले करते हो तो आप सभी को इसके अंदर थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वैसे ये हीटिंग इशू नॉर्मली सभी मोबाइल से मिलता है, बट आप सभी को जो Nothing Phone 2A और IQ Z9 5G है दोनों में से जो Nothing Phone 2A इसके अंदर आप सभी को थोड़ा सा ओवरहीटिंग देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आप सभी को आई थिंक कम टाइम के प्रोसेसर आप सभी को देखने को मिलता है। और Nothing Phone 2A बैटरी कंज्यूम में भी थोड़ा सा फास्ट है, जिसके अंदर आप सभी को एक घंटे में 14-15% चार्ज खत्म करके देता है। बट वहीं अगर आप IQ Z9 5G में गेम प्ले करते हैं तो आप सभी को एक घंटे में 8-9% बस चार्जिंग कम करके देता है। तो अगर आप लोग एक गेमर हो और गेमिंग के लिए फोन लेने वाले, तो मैं आप सभी को IQ Z9 5G सबसे पहले रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि IQ Z9 5G में आप सभी को ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और अगर आप लोग किसी कैमरे के लिए लेने वाले, तो कैमरा के साथ साथ आप सभी को Nothing Phone 2A में जा सकते हो, क्योंकि कैमरा परफॉर्मेंस आप सभी को उसके अंदर अच्छा देखने को मिलता है। तो मैंने तो आप सभी बता दिया कि आप सभी को इन दोनों में से कौन सा मोबाइल लेना चाहिए और किन लोग को लेना चाहिए। तो यार आज के लिए बस इतना ही। सो आई विद अब चलूंगा, हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा वीडियो से तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करो, और हाँ याद से बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।